कार्रवाई शुरू की जाए। मैं नीतू सिंह से कुछ सवाल पूछने से पहले अदालत के सामने कुछ सबूत, कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिसे देखने और सुनने के बाद अदालत बहुत जल्दी अपने नतीजे पे पहुंच जाएगी। मेरा पहला गवाह है टाटिया। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई कितनी बार जेल जा चुके हो? कुछ याद नहीं, गिनती थोड़ी ही करता हूं। हाँ बराबर है, एक दो बार गया तो आदमी गिनती कर सकता है, जिनका रोज आना जाना है उनको गिनती कहाँ याद रहेगी। ये सब काम जिसे आप गुनाह समझते हैं, ये मेरा धंधा है। जिंदगी में कभी हमारा भी ऐसा काम पड़ा तो करोगे? करेंगे साहब, मगर इसके लिए आपको हमारे पार्टी हाईकमान से बात करनी पड़ेगी। कौन है तुम्हारा हाईकमान? पार्टी हाईकमान कौन है ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरा हाईकमान वो है सामने, कैप्टन नीतू सिंह। हाँ तो बताओ कि तुम नीतू सिंह के परिवार में किस किस को जानते हो? इनकी माँ को जानता हूँ, और जब भी पुलिस से बचना होता है तो मैं इनकी माँ के पास चला जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरिए वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ हमें भी बोलने का मौका दीजिए। योर ऑनर, मैं टाटिया से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। टाटिया, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो, अब ये बताओ कि एक्टिंग करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए थे? मैंने ड्रामा नहीं किया, जो कुछ भी कहा सच कहा। सच नहीं, झूठ कहा है तुमने। योर ऑनर, ये आदमी पेशावर मुजरिम है, चोरी डकैती लूट खसोट हत्या अपहरण ये इसका पेशा है, और जेल से भागा हुआ मुजरिम है। ऐसे आदमी की गवाही कोई अहमियत नहीं रखती, ये पैसे की खातिर एक नहीं 1000 झूठ बोल सकता है। मैं अपने मुअज्जिज दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें। एक नहीं कई सबूत है, कई सबूत है। मिलॉर्ड, मैं पुलिस ऑफिसर वाघमारे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ जी एसपी साहब, आप स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे और आपने हत्यारों को गिरफ्तार भी किया था, तो आप अदालत को बताएंगे कि हत्यारों को कैसे और कहां गिरफ्तार किया था? योर ऑनर, ये जो औरत नीतू सिंह कटघरे में खड़ी है असली मुजरिम यही है। लेकिन आपके इस बात को अदालत कैसे मानेगी, हमारे वकील दोस्त कैसे मानेंगे कि ये बात सही है? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है वकील साहब, और बहुत ही ठोस सबूत है। तुकाराम, योर ऑनर, यह है वो पिस्तौल जिससे स्वर्गीय मुख्यमंत्री साहब की हत्या की गई, और यह है वो रिपोर्ट जिससे यह साबित होता है कि हत्या इसी पिस्तौल से की गई। योर ऑनर, इस पिस्तौल पर मिले हुए उंगलियों के निशान इस औरत के साथी आतंकवादी टाटिया के हैं, जिसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया। प्लीज। एनी क्वेश्चन? एसपी साहब, ये बताइए कि जब आपने नीतू सिंह के घर से टाटिया नाम के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जी, तो क्या उस वक्त नीतू सिंह घर में थी? जी हाँ, वो दिल्ली में थी जी। इसका मतलब ये है कि वो शहर में नहीं थी, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी माँ अंधी है। जी हाँ। योर ऑनर, माँ के अंधेपन का और नीतू सिंह के घर में ना होने का फायदा उठाकर एक मनगढ़ंत कहानी को हकीकत का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप तशरीफ रखिए। जी, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं शांति देवी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। शांति
शांति देवी, आपके घर से जिस टाटिया नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर ये आदमी आपको कब और कहां मिला? वो नीतू से मिलने हमारे घर आया था। घर आया था इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे पानी पूछा। मैं पानी लाने अंदर ही गई थी कि पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, शांति देवी के अंधेपन का फायदा उठाकर इनके घर में टाटिया को भिजवाना, पिस्तौल रखवाना और टाटिया से ये कन्फेस कराना कि नीतू सिंह ही चीफ मिनिस्टर के हत्या की जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिलॉर्ड, मैं शांति देवी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। शांति देवी जी, अभी अभी आपने कहा कि टाटिया आपके घर नीतू से मिलने आया था। जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बिठाने की क्या जरूरत थी? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको प्यार से बिठाने की, पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं आपका और उसका। Stop this nonsense! बहुत हो चुका। अब तक मैं कानून के नाम पर चलने वाली इस नौटंकी को देखती रही, लेकिन अब मैं इस केस को पूरी तरह जान गई और अच्छी तरह समझ भी गई हूँ। मुझे ये भी मालूम है इस केस का फैसला क्या होगा। लेकिन जज साहब, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी कि आपके इस फैसले से सीएम मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जज साहब, अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि मुझे सजा होगी। सजा तो मैं काट लूंगी। हाँ, अफसोस इस बात का जरूर रहेगा कि असली मुजरिम कितनी आसानी से कानून को धोखा देकर बाइज्जत बरी हो जाएगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। पूरी तरह से फंस गई। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश की हत्या टाटिया ने की है। लिहाजा यह अदालत मुलजिम टाटिया को हत्या के जुर्म में जेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिस हथियार से हत्या की गई वह हथियार नीतू सिंह के घर से बरामद हुआ है, और मुलजिम टाटिया के बयान से साफ जाहिर होता है कि नीतू सिंह भी उस हत्या में शामिल थी। लिहाजा यह अदालत नीतू सिंह को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैदे बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। मैं नीतू की माँ बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, नीतू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खास तौर से दिल्ली से इसी काम के लिए आया हूं। मैं नीतू को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, आप तो बहुत ही बहादुर बेटी की माँ है। अच्छा, नमस्ते। हेलो, हेलो, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। तुझ पर तरस खाकर यहां पर आया हूं। अफसर से अफसर की वफादारी निभाने आया हूं। वफादारी की बातें गद्दारों के मुंह से अच्छी नहीं लगती।
अब तो तुम्हारी गालियां भी मुझे फूल जैसी लगती हैं। खूबसूरत हो, जवान भी हो, जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। पानी के बिना जिस तरह पौधा मर जाता है ना, ऐसे तुम मर जाओगी। अरे अपने बाग का माली बना ले मुझे, सींच सींच के हरा भरा रखूंगा वे। इस वक्त तुम शराब के नशे में धुत हो, अपने होश में नहीं हो। जब होश में रहोगे ना तो मुझे बोलने में मजा आएगा और तुम्हें सुनने में। इस वक्त चले जाओ यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आया। और जो चीज हमें प्यार से हासिल नहीं होती ना, उसे हम छीन लेते हैं या फिर उसे मिटा देते हैं। ओए हमें मिटने की नहीं, मिटाने की आदत है। पानी बंद करो। मंत्री जी। हाँ बोलता हूं। नीतू सिंह के देखिए अभी हम बहुत बिजी लगता हूं, रखता हूं। अरे देखा दिलरुबा दिल्ली वाली भवानी प्रसाद लल्ला का पावर। अरे तू तो 90 दिनों के अंदर सीएम के किलर का पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन हमने तो 9 दिन में, सिर्फ 9 दिन में तुझे ही किलर साबित कर दिया।